दोस्तों अगर आपको भी इंग्लिश के कारण अच्छी जॉब और कंपटीशन एग्जाम नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ऑनलाइन इंग्लिश क्लास को जरूर ज्वाइन कर ले। तो दोस्तों आज का वर्ड ऑफ डे है डन। दोस्तों डन का हिंदी मतलब होता है पूर्ण, पूरा या भरा हुआ। दोस्तों इसका ये मतलब होता है कि कोई काम हो गया, जैसे कि दोस्तों आपने होमवर्क किया तो होमवर्क में मैथ का ये जो पूरा सवाल बन जाता है तो दोस्तों यानी कि आपका वो मैथ का होमवर्क डन हो गया। तो दोस्तों इसी प्रकार हर काम को जब पूरा हो जाता है तो पूरे काम होने के बाद हम उसको हम डन कर देते हैं। तो दोस्तों डन के एक ऐसे एग्जाम्पल समझते हैं जो इस प्रकार है। इट इज़ द कुलमिकेशन ऑफ द प्रेयर्स डन थ्रू आउट द ईयर। दोस्तों जिसका हिंदी मतलब होता है यह साल भर की जाने वाली प्रार्थनाओं की परिणति है। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं समाप्त कर लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।